हेलो गाइस, आप देख रहे हो आइटम्स इन बॉक्सिंग और मैक्सिमम राजपूत आपके लिए बेहद ही कमाल की एक वीडियो लेकर प्रेजेंट हुआ हूं। और आज हम एक कोका की स्मार्ट एलईडी टीवी की अनबॉक्सिंग आपके लिए लेकर आए। इस वीडियो पर हम आपको रिव्यू, स्पेसिफिकेशन, फीचर सब बताने वाले। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे सामने बॉक्स आ चुका है कोका का स्मार्ट एलईडी टीवी का, जो कि 32 इंच की हमारी ये एलईडी टीवी है। इसमें आपको इन द बॉक्स में क्या क्या देखने को मिल जाता है, एक आपको एलईडी टीवी देखने को मिलती है जो कि ज़रूरी है, एक वॉल माउंट और एक रिमोट, टू बैटरीज, एक बेस स्टैंड, दो स्क्रू और एक यूज़र मैनुअल और एक वारंटी कार्ड। तो काफ़ी अच्छी स्मार्ट एलईडी टीवी है ये, एक कोका कंपनी की है। इसको मैंने बाय नाउ किया था 11,500 में और अभी इसका एक्चुअल का जो अमाउंट है वो है इसका 12,500। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए दो बंदे आए हुए हैं, तो ये लोग अभी इसको इंस्टॉल करेंगे। और काफ़ी अच्छी एलईडी टीवी है ये, काफ़ी स्लिम ट्रिम सी टीवी है, एलईडी टीवी है। और यहाँ कुछ डिटेल्स मेंशन है यहाँ पे, इसमें जो इसका यहाँ पर एक्चुअल प्राइस लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 18,000 रुपये, जो कि काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है। है तो इसका जो एक्चुअल अमाउंट वो 11,500 में जो कि सेल का है, और जो वैसे लेंगे तो 12,500 के करीब आपको ये पड़ जाता है। तो अभी ये दोनों लोग जो हैं यहाँ पर ये मेज़रमेंट ले रहे हैं, इसके बाद ड्रिल करेंगे, उसके बाद हमारा एलईडी टीवी को लगाएंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो की अनबॉक्सिंग की थी, इसमें मैंने इंस्टॉलेशन दिखाया था आपको, एक डेक्ट्रॉन एलईडी टीवी था जिसकी मैंने इंस्टॉलेशन आपको दी थी। उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी ने दिया था, उम्मीद करता हूँ इसमें भी आप अच्छा खासा रिस्पॉन्स देंगे, अच्छे खासे व्यूज़ इसमें भी देंगे आप। तो अभी मेज़रमेंट ले रहे हैं, इसके बाद हमारा ड्रिल करेंगे, फिर हमारी एलईडी टीवी को लगा देंगे जिसका नाम है कोका। तो काफ़ी अच्छी एलईडी टीवी है और इसकी रेटिंग भी फ्लिपकार्ट पर काफ़ी अच्छी है, 4.2 रेटिंग देखने को मिल जाती है। और ये है हमारी स्मार्ट एलईडी टीवी। मैंने एक स्मार्ट एलईडी टीवी की भी अनबॉक्सिंग की थी जिसका नाम था व्यू, वो भी काफ़ी अच्छी थी। और ये कोका की भी काफ़ी अच्छी एलईडी टीवी है। और डिस्प्ले साइज़ जो मैंने आपको बताया वो इसका 81 सेंटीमीटर यानी 32 इंच की आपको इसका डिस्प्ले साइज़ देखने को मिल जाता है। तो और अगर आप इसको फ्लिपकार्ट से बाय नाउ करते हो तो दो दिन के बीच में ही आपको इंस्टॉलेशन करने के लिए दो लोग आ जाते हैं। तो अगर हम इसके रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो 1366x768 का इसका रेजोल्यूशन है, और इसकी जो साउंड की आउटपुट है वो हमारी 20 वॉट की है, तो काफी अच्छी साउंड आउटपुट है इसकी। और ये आपको 12,500 रुपए का फ्लिपकार्ट पर आसानी से अवेलेबल हो जाता है। इसमें आपको यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाता है, नंबर ऑफ कोर्स की बात करें तो 1, और प्रोसेसर की बात की जाए तो 32 बिट का सिंगल कोर का इसका प्रोसेसर है, तो प्रोसेसर भी काफी अच्छा है। और 1 साल की आपको वारंटी भी देखने को मिल जाती है कोका की तरफ से, तो काफ़ी अच्छी है। और इसको कहीं आपको ले जाना नहीं पड़ेगा, जो टेक्नीशियन होगा वो आपके घर पे विज़िट करेगा, तो कोई उसकी कोई इशू नहीं है। तो काफ़ी सही एलईडी टीवी, एक स्लिम ट्रिम एलईडी टीवी है। इसका जो मतलब साइज़ है वो काफ़ी अच्छा है। तो हमारा ड्रिल हो चुका है और यहाँ पर बस स्क्रू फिट किया जा रहा है। इंस्टॉलेशन का कोई भी चार्ज नहीं लगता, अगर आपसे कोई भी चार्ज मांगे तो बिल्कुल भी मत दीजिए, आप कंप्लेन कर दीजिए फ्लिपकार्ट को कि ये लोग हमसे चार्ज मांग रहे हैं, क्योंकि इसका कोई चार्ज होता नहीं है, इस सब फ्री होता है, ये उसी पैसे में एड ऑन होता है, तो इसका कोई आप अलग से पैसा बिल्कुल भी मत दीजिएगा। तो हमारा एलईडी टीवी इंस्टॉल हो चुका है, और सबसे पहले हम यूट्यूब ही खोलेंगे और अपनी ही वीडियो खोलेंगे, दूसरे की नहीं, सिर्फ अपनी। और यहाँ पर विजन्स लेके आ रहा है, और पिक्चर क्वालिटी में आपको दिखाऊंगा कि कितनी क्लियर इसकी पिक्चर क्वालिटी है। काफ़ी सही एलईडी टीवी है, एक बजट में एलईडी टीवी आपको देखने को मिल जाता है। और हम अपने चैनल का नाम सर्च कर रहे हैं आइटम्स अनबॉक्सिंग,
और यहाँ पर हम नाम सर्च करेंगे और फिर अपना वीडियो दिखाएंगे कि पिक्चर क्वालिटी इसकी कितनी क्लियर आती है। और बफरिंग हो रही है और देखिए चलने लगा है हमारा वीडियो और ये काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। इस एलईडी टीवी में आप नेटफ्लिक्स नहीं यूज कर सकते हो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी नहीं यूज कर सकते हो। तो अगर हम इसके सपोर्टेड एप्स के बारे में बात करें तो इस टीवी में सिर्फ आप यूट्यूब यूज कर सकते हो और कोई अनदर ऐप इसमें नहीं यूज कर सकते हो, सिर्फ आप यूट्यूब इसमें यूज कर सकते हो। इस टीवी का जो एक्चुअल वेट है वो वेट विद स्टैंड की अगर बात करें तो 3.58 केजी का इसका एक्चुअल प्राइस मतलब इसका वेट है। तो काफ़ी सही एलईडी टीवी, एक बजट में आपको एलईडी टीवी देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ अपने चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आपको ये टीवी लेना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप उसको आसानी से बाय ऑन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।